हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन द जे किचन। आज मैं शेयर करूंगी बहुत ही टेस्टी क्रंची क्रिस्पी स्नैक स्प्रिंग रोल। शेयर करने से पहले रिक्वेस्ट, प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द बेल आइकन सो दैट व्हेनेवर आई अपलोड एनी न्यू वीडियोस यू कैन गेट द नोटिफिकेशन। तो चलिए बनाते हैं स्प्रिंग रोल्स। चलिए हम इंग्रेडिएंट्स चेक करते हैं। मैंने बहुत सारे वेजिटेबल्स यहाँ लिए हैं। ये है कैबेज, कैरेट, पीस, अनियन, बीन्स, चिलीज है, चॉप्ड गार्लिक है, जिंजर है, क्रश्ड पेपर, विनेगर, सोया सॉस, सॉल्ट, ऑयल, वाटर, और यहाँ मैंने लिया है ये है रिफाइंड फ्लावर मैदा एंड ये है कॉर्न फ्लावर, थोड़ा बेल पेपर भी है। तो चलिए बनाए। चलिए हम फ्लेम को जलाएंगे और सबसे पहले हम वेजिटेबल को स्टर फ्राई करेंगे। ज्यादा नहीं पकाना है, जस्ट हल्का सा स्टर फ्राई करेंगे। पोर 1 टेबलस्पून ऑफ ऑयल, ज्यादा नहीं डालना है। हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, मैं ये चॉप्ड गार्लिक से डालकर थोड़ा सा सौते करूंगी, जिंजर और हल्का सा भुनेंगे, फ्लेम को कम कर देंगे। नाउ आई वांट टू ऐड दिस रफली चॉप्ड अनियन। मैंने यहाँ 1 अनियन लिया है। देखिए हल्का सा भुन चुका है, अब इसमें मैं ये जो ग्रीन चिलीज है वो मैं डाल दी। इसको मैंने लंबा में ही स्लिट करके रखा है ताकि हम इसे बाद में निकाल देंगे। अब सारे वेजिटेबल्स मैं इसमें डालने शुरू करूंगी। ये है कैरेट, मैंने 1/2 कैरेट लिया है। इसको फाइनली देखिए थोड़ा सा अच्छा सा डाइस कर लिया है, छोटे टुकड़ों में काटा है। देखिए मैंने बीन्स डाला अभी। देन आई एम गोइंग टू ऐड दिस पीस, हल्का सा चलाते रहिए। ये कैबेज डालूंगी। आप अपने वेजिटेबल अपने चॉइस का ले सकते हैं, विच एवर वेजिटेबल यू प्रेफर यू कैन ऐड। मैं थोड़ा सा नमक डालूंगी। हम यहाँ सोया सॉस यूज करेंगे तो नमक थोड़ा ध्यान से डालिए, बिकॉज सोया सॉस हैज सॉल्ट इन इट। ये थोड़ा सोया सॉस, ये विनेगर, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो हम थोड़ा पकने देंगे। एंड देन वी गोइंग टू ऐड अ बेल पेपर। हमारा वेजिटेबल पक रहा है, हम इसका जो रैप हम बनाएंगे, देखिए ये मैंने रिफाइंड फ्लावर लिया है, ये आप ले लीजिए। एंड देन टू दिस वी गोइंग टू ऐड दिस कॉर्न फ्लावर, इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, इसको हम मिला लेंगे। अब हम थोड़ा पानी डालकर इसका एक अच्छा सा मिक्सचर, एक बैटर जैसा बना लेंगे, घोल बना लेंगे। देखिए ये बैटर बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, बिल्कुल लम्स नहीं रहना चाहिए। सो वी गोइंग टू मिक्स दिस वेल। पानी मिलाती हूँ बिकॉज इट्स वेरी थिक, बहुत लिक्विड भी नहीं बनाएंगे एंड बहुत बैटर थिक भी नहीं बनेगा। ओके, दिस इज द वे इट शुड बी। अब मैं ये देखिए, कैन यू सी, अब बैटर शुड बी दिस कंसिस्टेंसी। ये थोड़ा सा मैं निकाल के इसको अलग से रखूंगी ताकि हम रैप को सील करेंगे, इससे ये हमारा ग्लू का भी काम करेगा। सो वी गोइंग टू कीप दिस असाइड। देखिए इस स्टेज में हम ये बेल पेपर जो काट के रखे हैं वो डाल दूंगी। एंड वी गोइंग टू मिक्स ऑल वेल। अब हम इसे
दो तीन मिनट के लिए पकने देंगे एंड आवर वेजिटेबल इज डन। देखिए हमारा वेजिटेबल बिल्कुल पक चुका है। अब इस स्टेज में मैं थोड़ा सा इसमें पेपर डाल दूंगी, एक क्रश पेपर है ये हल्का सा मैंने डाला। अच्छी तरह से इसे स्टर करेंगे एंड देन फ्लेम को हम बंद करेंगे। दिस इज डन। इसको हम निकाल लेंगे कंटेनर में एंड नाउ वी गोइंग टू मेक अ रैप। चलिए ये मैंने एक छोटा सा पैन लिया, आपको जो साइज चाहिए आप उस साइज का पैन यूज कर सकते हैं। अब मैं ये ब्रश ले रही हूँ, ये सिलिकॉन ब्रश है, इससे ही मैं ये जो रैप है वो मैं बनाऊंगी। आई एम नॉट गोइंग टू यूज एनी स्पून फॉर इट। देखिए इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे और ये पैन को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। पैन जब अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा आप फ्लेम को बंद कर दीजिए एंड वी गोइंग टू यूज दिस ब्रश। देखिए इस तरह ब्रश लेकर हम इस तरह से बनाते जाएंगे, यू नो जस्ट ब्रश इट अप, सर्कल बना लेंगे। ब्रश करते हुए हम एक अच्छा सा सर्कल बनाएंगे। अच्छा सा शेप बना लीजिए, सीधर कहीं भी छूटा ना हो। इसके बाद आप फिर वापस हम फ्लेम को जला लेंगे। देखिए हमारा रैप पक चुका है, आप बिल्कुल हाथ से ही इसे निकाल सकते हैं। इसमें हम मैंने ऑयल बिल्कुल ही नहीं डाला। देखिए ये हमारा रैप रेडी है एंड इन द सेम वे आई एम गोइंग टू मेक मोर रैप्स। मैंने देखिए फ्लेम को फिर से बंद कर दिया है एंड अगेन इसी तरह से मैं रैप बनाऊंगी। ब्रश करेंगे इस तरह, सारे जगह को अच्छी तरह से कवर करेंगे ताकि कहीं भी छूट ना जाए। मैं वापस फ्लेम को जलाऊंगी एंड लेट दिस कुक। मैंने यहाँ छोटा सा एक कढ़ाई लिया है, इसको हम रैप को बनाएंगे एंड वी गोइंग टू डीप फ्राई आवर स्प्रिंग रोल्स। सो जब तक हम बनाएंगे तब तक हमारा तेल गर्म हो जाएगा। सो वी गोइंग टू हीट द ऑयल फर्स्ट, going to pour the oil। थोड़ा ज्यादा ही ऑयल लगेगा क्योंकि हम इसको डीप फ्राई करेंगे। जब तक ये गर्म होगा तब तक मैं स्प्रिंग रोल रेडी करूंगी। फ्लेम को मैं कम कर कर रखती हूँ। ये जो है इसको हम लेंगे रैप को, आई एम गोइंग टू पुट सम वेजिटेबल्स ऑन इट। ये जो स्टर फ्राई वेजिटेबल है इसको मैं थोड़ा सा इस तरह रखूंगी, सेंटर में नहीं, आपके पास ला दीजिए इसको। एंड देन ये जो मैंने घोल बनाया था इसको हम इस तरह से, ये जो ग्लू टाइप है ना ये इसको सिक्योर करके रखेगा। यू हैव टू डू दिस एंड ये आप दोनों तरफ इसको फोल्ड कर दीजिए राइट दिस वे एंड देन वी गोइंग टू रैप इट। इस तरह से हमारा स्प्रिंग रोल, देखिए वेरी सिंपल, ये अच्छी तरह से देखिए दोनों तरफ से बंद हो चुका है। इस तरह हम सारे स्प्रिंग रोल को रेडी करेंगे। वी गोइंग टू सम वेजिटेबल इनसाइड एंड देन ये जो मैंने ग्लू बना के रखा है, ग्लू नहीं है एक्चुअली, दिस इज द बैटर ओनली, इसको रखकर गोइंग टू फोल्ड बोथ द साइड्स राइट। इस तरह अंदर की तरफ आप रखिए एंड देन स्टार्ट रोलिंग इट। सो इस तरह से धीरे धीरे आप इसको रोल करते जाइए।
दैट्स इट। देखिए ये अच्छी तरह से दोनों तरफ बंद है। देखिए मैंने सारे स्प्रिंग रोल रेडी कर लिया है, अब इसको हम फ्राई करेंगे। तो चलिए करें, अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, सो लेट्स फ्राई आवर वेजिटेबल स्प्रिंग रोल। इस तरह हम दो दो कर इसे फ्राई कर लेंगे। देखिए अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, सी नाइस एंड गोल्डन। मैं इसे निकाल लूंगी, सो लेट्स टेक दिस आउट। इसी तरह हम सबको फ्राई कर लेंगे। ये भी अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है एंड आई एम गोइंग टू टेक दिस आउट। चलिए लेट्स डू अ प्लेटिंग। देखिए ये थोड़ा सा मैंने यहाँ डिप के जैसे, आप सॉस यूज कर सकते हो, आप ग्रीन चटनी ले सकते हो। चेकआउट फ्रेंड्स, आर सुपर डिलीशियस वेजिटेबल स्प्रिंग रोल इज रेडी। प्लीज डू ट्राई आउट दिस रेसिपी। कीप वॉचिंग, कीप कुकिंग। थैंक यू।